नमस्कार, स्वागत है आपका। खास पेशकश देख रहे हैं आप, मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। दर्शकों, आज हम खास पेशकश लेकर आए हैं आपके लिए। धनतेरस का पर्व कैसे मनाना चाहिए, धनतेरस का पर्व कैसे आपके घर में खुशहाली लेकर आए, ये आज जानेंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ ज्योतिष आचार्य कैलाश जी जुड़ चुके हैं। पंडित जी का स्वागत करते हैं और उनसे जानेंगे कि धनतेरस का महत्व क्या है, कैसे धनतेरस पर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो घर में सभी लोग निरोगी रहेंगे और घर में धन की वर्षा होगी। जी पंडित जी, धनतेरस पर्व की अगर बात करें तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस पर्व का क्या महत्व होता है, किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे तो घर में खुशहाली आएगी। धनतेरस के महत्व की अगर बात की जाए तो शुद्ध रूप से भगवान धन्वंतरि का यह दिन रहता है। नाम से ही विदित है धन, धन यानी पैसा, लक्ष्मी, धन की वर्षा रहे तो आज के दिन विधि विधान से भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना, कुबेर जी की पूजा अर्चना और भगवान श्री गणेश की सबसे पहली पूजा अर्चना की जाती है। निरोग रहने के लिए, पैसे की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए धनतेरस पे आज विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। और आज तो शुभ ही शुभ संयोग है, हर तरह से अगर आप कोई खरीदारी करते हैं, घर में किसी जरूरी सामान की खरीदारी करते हैं, नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, हर तरह से आज का दिन बहुत शुभ और सुखद है। जी बिल्कुल, धनतेरस के पर्व को पूरा परिवार अगर साथ मिलकर मनाएगा तो बिल्कुल पूरे परिवार का ही इसमें शुभ होगा, पूरे परिवार को ही लाभ मिलेगा। धनतेरस के पर्व पर जो तमाम परिवार के लोग होते हैं उन्हें कैसे मिलकर इस त्यौहार को मनाना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरीके का दिनचर्य होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए दर्शकों, शुद्ध रूप से धनतेरस भगवान धन धन्वंतरि के लिए यह माना जाता है, तो निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरि की आज पूजा अर्चना करनी चाहिए। और लक्ष्मी शुद्ध रूप से शांति की, साफ सफाई, नीट एंड क्लीननेस की प्रतीक मानी जाती है, इसलिए अपने घर को पूर्ण रूप से साफ सुथरा रखिए। हर तरह से आज के दिन नए कपड़े पहनने चाहिए, पुराने कपड़े पहनने से भगवान धन्वंतरि नाराज हो जाते हैं, इसलिए साफ सुथरा रहना, नए कपड़े पहनना। अपने घर में, मंदिर में भी ठाकुर जी के या अन्य आपने कोई मूर्ति स्थापना कर रखी है, अन्य प्रकार का मंदिर में कोई साजो सामान रख रखा है तो वह नया रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, किसी भी तरह की गंदगी या मैलापन घर में, दुकान में, ऑफिस में, जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पे बिल्कुल भी न रखें। और दोपहर में जो 11:30 से 12:30 अभिजीत मुहूर्त माना जाता है, उस समय अपने इष्ट देव की, भगवान धन्वंतरि की पूजा अर्चना, सौ परिवार अपने घर की लक्ष्मी को, नारी शक्ति को साथ में लेकर पूजा अर्चना कीजिए, वह पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। जी पंडित जी, धनतेरस के त्यौहार को सभी परिवार जन मिलकर मनाएंगे तो घर में निरोगी काया भी होगी, धन की वर्षा भी होगी। धनतेरस पर किस तरीके की कथा या किस तरीके का पाठ पूजन करना चाहिए भगवान का, क्या सलाह पंडित जी आप देंगे? कहानी और कथा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो दीपावली का जो पावन पर्व रहता है वो माँ लक्ष्मी को समर्पित रहता है। हर व्यक्ति विशेष माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लक्ष्मी पूजन करता है, हर तरह से शुभ संयोग को ढूंढता है। लेकिन दीपावली से जस्ट 2 दिन पहले जो धनतेरस का जो पावन पर्व रहता है, भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी को समर्पित रहता है, वह इसलिए क्या माँ लक्ष्मी के साथ साथ इनकी भी पूजा अर्चना इसलिए जरूरी होती है। 9 ग्रहों के अंदर जो बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु और चंद्रमा, यह धन्वंतरि और कुबेर जी के प्रतीक माने जाते हैं। 9 ग्रह की पूजा दीपावली वाले दिन की जाती है, लेकिन इन ग्रहों की पूजा धनतेरस भी की जाती है। तो यह कथा के संदर्भ में अगर बात की जाए तो भगवान धन्वंतरि ने जब भगवान विष्णु से वरदान मांगा तो उन्हें धनतेरस के प्रतीक रूप में माँ लक्ष्मी के पूजन से पहले उनका महात्म बताया गया है। इसलिए धनतेरस वाले दिन धन्वंतरि जो भगवान रहते हैं वो निरोगीता के मालिक रहते हैं। पैसा तो सभी को चाहिए, लेकिन अगर शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप पैसों का क्या करेंगे। इसीलिए बड़े बड़े हॉस्पिटलों में भगवान धन्वंतरि की मूर्ति स्थापित की जाती है, धन्वंतरि भवन, धन्वंतरि विभाग बनाया जाता है, वो इसीलिए कि लक्ष्मी के साथ साथ सफल शरीर, सुरक्षित जो काया रहती है वह आपकी रहनी चाहिए। पंडित जी, धनतेरस पर्व की अगर बात करें तो इस दिन माना जाता है कि धनतेरस के दिन सोने चांदी के आभूषण या बर्तन खरीदना बहुत शुभ होता है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए दर्शकों,
भगवान धन्वंतरी जिस तरह से निरोगी काया के प्रतीक माने जाते हैं और जिस व्यक्ति विशेष का चंद्रमा जितना उच्च का होता है उसका शारीरिक स्वास्थ्य बहुत उन्नतिशील और बहुत पावरफुल और वो निरोग रहता है, किसी भी तरह की बीमारी उसके नज़दीक नहीं आती, तो चंद्रमा को उच्च का करने के लिए चांदी को खरीदना, चांदी के आभूषण खरीदना और चांदी का ऐसा कोई पात्र धनतेरस वाले दिन खरीदने से और उसके अंदर अपन भोजन करें, पानी पिए, तो वह निरोगी काया का प्रतीक माना जाता है। इसलिए धन्वंतरी भगवान की पूजा अर्चना करने के बाद आज दोपहर में 2:30 से लेकर रात्रि 9:30 का जो समय है बहुत शुभ है। स्वास्थ्य के लिए, शॉपिंग के लिए, खरीदारी करने के लिए पुष्य नक्षत्र का संयोग है, स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, अमृत सिद्धि योग बन रहा है, तो आप दोपहर में 2:30 के बाद सपरिवार खरीदारी कीजिए, अच्छे अच्छे सामान खरीदिए, निश्चित रूप से चांदी का सिक्का, चांदी या अन्य कोई चांदी के आभूषण अपनी आर्थिक संपन्नता के अनुसार खरीद सकते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा गया कि आपको धनतेरस वाले दिन यह खरीदना ही है, आप अपनी इच्छा और अपनी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति के अनुसार आज अगर आप खरीदारी करते हैं बहुत शुभ रहेगी, वह वस्तु सदैव आपके लिए फलदायक सिद्ध होगी। धनतेरस का पर्व हो पंडित जी या दिवाली का पर्व हो, ये दिन बड़े शुभ माने जाते हैं और पूरे साल लोग इन दिनों का इंतजार करते हैं, मुख्य तौर पर किसी को अपने नए घर में गृह प्रवेश करना हो। तो धनतेरस का पर्व कितना शुभ माना जाता है और किस तरीके से गृह प्रवेश किया जाना चाहिए? विधि विधान के संदर्भ में अगर नंदिनी जी बात की जाए तो निश्चित रूप से आज जो अभिजीत मुहूर्त है 11:30 से 1:30 बजे का, उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। कोई नया घर खरीदने के लिए अगर आप टोकन अमाउंट या शाही देना चाहें तो वह भी दे सकते हैं। भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने के उपरांत धन्वंतरी की और कुबेर जी की पूजा अर्चना कीजिए, उसके उपरांत आप विधि विधान से ग्रह प्रवेश कर सकते हैं। विद्वान व्यक्ति का तो सानिध्य चाहिए रहेगा, लेकिन आप स्वयं भी भगवान श्री गणेश के मंदिर में पूजा अर्चना कीजिए। निश्चित रूप से जो मेल है उन्हें सफ़ेद रंग, स्काई ब्लू कलर, ब्राउन कलर के कपड़े पहनने चाहिए, जो फीमेल रहती है लाल रंग, गुलाबी रंग और केसरिया जो रंग रहता है उनके लिए आज के दिन ऐसे रंग के वस्त्र पहनना सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि धन्वंतरी भगवान का जो रंग रहता है वो सफ़ेद और केसरिया और लाल इन रंगों के प्रतीक रहते हैं और ये दोनों ही रंग सूर्य, मंगल और शुक्र और चंद्रमा के प्रतीक माने जाते हैं। तो इन रंगों के वस्त्र पहनने से आपका सूर्य, चंद्रमा, शुक्र बहुत प्रबल रहता है। जब आपके ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है तो हर कार्य में सफलता मिलेगी, काया भी निरोगी रहेगी और माया भी बनी रहेगी। जी बिल्कुल, त्योहार है धनतेरस का पर्व, छोटे से लेकर बड़ों तक सभी लोग बड़े उल्लास के साथ धनतेरस के इस पर्व को मनाते हैं और धनतेरस आता है तो लगता है कि मानो बस दिवाली आ गई। पंडित जी, सुबह से लेकर शाम तक हर एक परिवारजन की किस तरीके की दिनचर्या होनी चाहिए कि धनतेरस का पर्व घर में शुभ और लाभ लेकर आए? धनतेरस का जो पावन पर्व है उसमें सवेरे उठते ही सबसे पहले भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि हर दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार से की जाए। सूर्य सबसे पावरफुल, ताकतवर राजयोग का ग्रह माना जाता है। हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है, अपने फील्ड का बादशाह बनना चाहता है। जब तक आपका सूर्य उच्च का नहीं रहेगा आपको अपने कार्य में राजयोग कारक सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए सवेरे उठने के उपरांत सबसे पहले भगवान सूर्य को प्रणाम करें, नमस्कार करें और फिर नहा के स्नान करने के बाद घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छूइए, जो बुजुर्ग दुनिया में नहीं रहे उनकी तस्वीर या फोटो को प्रणाम कीजिए, क्योंकि बिना पितरों के, बिना बड़ों के आशीर्वाद के भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। उसके उपरांत आपके घर की जो नारी शक्ति है, महिला शक्ति है, उनसे निवेदन पूर्वक, अधिकार पूर्वक नहीं, निवेदन पूर्वक पूछिए कि आज आपको घर में क्या चीज़ लानी है, उन्हें क्या शॉपिंग करनी है। घर के कुछ ऐसी ज़रूरत की चीज़ें भी रहती है जिनमें महिला शक्ति को इंतज़ार रहता है कि धनतेरस वाले दिन हम ये चीज़ खरीदेंगे, तो निवेदन पूर्वक उनसे पूछिए और उस साजो सामान को आप उनके साथ लेकर बाजार में जो 12 बजे से लेकर रात्रि तक का जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप शॉपिंग कीजिए। प्रसन्नता के भाव से शॉपिंग कीजिएगा, ऐसे तनाव में मत कीजिएगा, आज तो मेरा बहुत पैसा खर्च हो गया। जब मन में ही तनाव है किसी भी वस्तु को अगर हम दुख पूर्वक अगर घर में लाते हैं तो कभी भी वो फलती फूलती नहीं है। और उसके उपरांत चूंकि यह चंद्रमा का दिन रहता है, शाम को जब भी आप रात को घर लौटें चंद्रमा भगवान को
प्रणाम करके चंद्रमा को अगरबत्ती दीप दिखाना चाहिए, सपरिवार चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, तो उससे आज का दिन सुख शांति पूर्वक संपन्न हो जाएगा। धनतेरस का जो पूर्ण रूप से महात्म्य है वह आपको मिल जाएगा। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं धनतेरस पर्व की। धनतेरस आई, मानो दिवाली पर्व का आगमन हो गया, आगाज हो गया। लेकिन धनतेरस पर्व को भी मनाने के लिए बहुत सारे विधि विधान होते हैं। आज पंडित जी हम एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे कि जो नए जोड़े होते हैं, अगर उन्हें अपना दाम्पत्य जीवन सुख शांति के साथ बिताना है तो किस तरीके से पूजा अर्चना धनतेरस के पर्व पर की जानी चाहिए। नंदिनी जी, शुद्ध रूप से दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बनाए रखने के लिए, और हर व्यक्ति विशेष चाहता है कि मेरा वैवाहिक जीवन है सुख शांति पूर्वक चलता रहे, क्योंकि हम अक्सर समाज और सोसाइटी में देखते हैं अगर दाम्पत्य जीवन में उठा पटक हो जाए तो लोगों के बीच में आप हंसी के पात्र बन जाते हैं, जीवन जीना भी बहुत दुर्लभ हो जाता है। तो आज के दिन पति का यह परम कर्तव्य रहता है, हो सकता है नारी शक्ति के पास बहुत सारे कपड़े होंगे, बहुत सारी ज्वेलरी होगी, बहुत सारे साजो सामान होंगे, लेकिन धनतेरस के इस पावन पर्व के ऊपर उन्हें संपूर्ण जो 16 श्रृंगार है वह पति की जिम्मेदारी बनती है कि 16 श्रृंगार नए सिरे से नए उनको दिलवाए जाएं। अभिजीत जो मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र का जो मुहूर्त है, उसमें लाल रंग के वस्त्र खरीदना, अन्य कोई श्रृंगार का सामान, कोई भी तरह की ज्वेलरी खरीदी जाए तो निश्चित रूप से सदैव फलित में रहेगी, कारगर सिद्ध होगी। 16 श्रृंगार से तात्पर्य 16 जो ग्रह रहते हैं, 16 जो कलाएं रहती है उनसे माना जाता है, 9 के 9 ग्रह प्रसन्न रहते हैं और जो गुण मिलाए जाते हैं 36, कभी भी किसी व्यक्ति के 36 गुण नहीं मिलते, गुण तो 24 25 18 ही मिलाए जाते हैं। बचे हुए गुणों की शांति के लिए अगर धनतेरस पावन पर्व के ऊपर अगर साजो सामान खरीदा जाए तो हर तरह से नव दंपति खुश रहेगी। और पत्नी की भी जिम्मेदारी है कि पति को किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक का जो सामान रहता है या सफ़ेद रंग के वस्त्र रहते हैं उपहार स्वरूप पत्नी को पति को गिफ्ट करने चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, तो पूजा अर्चना और श्रद्धा सभी लोगों में होती है, इसी वजह से भगवान उन पर कृपा भी बरसाते हैं। लेकिन हर एक पर्व का, हर एक पूजा का एक विधि विधान होता है। अगर हम बात करें धनतेरस के पर्व की, तो भगवान धन्वंतरी, भगवान कुबेर की पूजा होती है, किस तरीके के मंत्रों का उच्चारण किया जाना चाहिए? निरोगी काया के संदर्भ में अगर बात की जाए तो धनतेरस वाले दिन भगवान श्री गणेश की, धन्वंतरी जी की, कुबेर जी की तो हम पूजा करेंगे, लेकिन समय निकाल के पूरे दिन में सवेरे सूर्योदय के साथ और रात को 12 बजे से पहले भगवान शिव की, शिव परिवार की उपासना करनी चाहिए। शिव मंदिर में भी जाके पूजा अर्चना कर सकते हैं, हम घर पे भी शिवलिंग पे रुद्राभिषेक कर सकते हैं, सहस्त्र धाराभिषेक कर सकते हैं, दूध दही घी शहद और चीनी का पंचामृत का अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा धनतेरस वाले दिन की जाए तो आपका चंद्रमा बहुत उच्च का रहेगा और शरीर भी निरोग रहेगा, हर तरह से स्वास्थ्य लाभ रहेगा। और भगवान शिव के लिए शिव तांडव स्त्रोत्रम, शिव चालीसा का अगर पाठ किया जाए, सपत्नी का अगर पाठ किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे किसी भी प्रकार के कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी जो काफ़ी लंबे समय से आपको परेशान कर रहा है। और कहीं ना कहीं शिव अकाल मृत्यु से भी रक्षा करते हैं, क्योंकि शिव को तो महाकाल कहा जाता है, इसलिए अपने दुर्घटना संबंधित को योग बन रहा है, किसी भी तरह के चलित में राहु केतु और शनि की महादशा चल रही है, उसकी सुख शांति के लिए भी धनतेरस के इस पावन दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी आपने। अगर बात करें धनतेरस या दिवाली पर्व की पंडित जी, तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई नए घर में शिफ्ट करता है तो पहला त्यौहार दिवाली ही होना चाहिए। इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या महत्व है? देखिए, हर व्यक्ति विशेष बड़ी मेहनत से, बड़े लंबे समय की कमाई के साथ एक नए घर का निर्माण करता है, तो शुद्ध रूप से कह सकते हैं काफ़ी धन की कमी हो चुकी है, क्योंकि घर के निर्माण में बहुत पैसे खर्च हो चुके हैं। और आज के ज़माने में बिना लोन लिए घर नहीं बनते, तो आगे की आर्थिक संपन्नता बनी रहे उसके लिए धनतेरस अपने आप में पूरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है गृह प्रवेश के लिए। लेकिन आप पुराना जो घर है, चाहे किराए का मकान हो चाहे अपना पैतृक मकान हो, उससे जब नए घर में शिफ्ट हो, पानी का घड़ा और झाड़ू और भगवान की जो प्रतिमा या फोटो रहती है ये नई खरीदनी चाहिए। पुराने घर के झाड़ू मटका या पानी से संबंधित या अन्य कोई फोटो अपने पुराने घर के नए घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए। और जब भी आप नए घर में गृह प्रवेश करें
तो अगर आपके माता राम, बुआ जी या महिला शक्ति जो उम्र में बड़ी हो उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि धनतेरस सपना में शुक्र का भी प्रतीक माना जाता है, शुक्र नारी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए घर की जो बड़ी जो महिला शक्ति है वह अगर साथ में नहीं होती तो कहीं ना कहीं शुक्र भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शुक्र की शालीनता के लिए महिला शक्ति का साथ ग्रह प्रवेश के समय आपके साथ होना चाहिए। जी बिल्कुल, दिवाली का पर्व पंडित जी आता है तो सभी लोग अपने घरों में साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़रूरी भी होता है, लेकिन धनतेरस या दिवाली के पर्व को साफ सफाई से कैसे जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से देखते हैं आप, कितना महत्वपूर्ण है इस पर्व से पहले घर को पूरी तरीके से शुद्ध रखना और साफ रखना? साफ सफाई के महत्व के संदर्भ में बात की जाए तो दीपावली शुद्ध रूप से माँ लक्ष्मी का त्यौहार माना जाता है, और लक्ष्मी जो भगवान विष्णु की धर्मपत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में मानी जाती है। जब समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी का जब निकलना हुआ तो वह इतने पवित्र कमल के फूल में से निकली, वो इतना नीट एंड क्लीन साफ सुथरा था, तभी से माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु का यह वरदान है कि जो व्यक्ति विशेष अपने घर परिवार ऑफिस में हर जगह को जितना साफ सुथरा रखेगा तभी आपका विराजमान रहेगा। इसीलिए शुद्ध रूप से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अपने घर को, ऑफिस को, अपने कार्य क्षेत्र को, अपने तन को और अपने मन को जितना स्वच्छ और साफ सुथरा रखेंगे लक्ष्मी का आगमन उतना रहेगा। और एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा दर्शकों, दीपावली पे तो हर कोई व्यक्ति विशेष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए घर में साफ सफाई रखता है, लेकिन दिवाली जाने के बाद वो लक्ष्मी जी को भी भूल जाते हैं, घर की साफ सफाई को भूल जाते हैं और अपने घर की जो लक्ष्मी रहती है, पत्नी का जो भाव रहता है उसको भी भूल जाते हैं। तो यह समय काल अनुस्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो आप लक्ष्मी पूजन करते हैं यह उतना अनुकूल नहीं रहता। तो दीपावली के पावन पर्व पे साफ सफाई रखें, लेकिन उसके उपरांत भी स्वच्छ रहें ताकि जीवन भर लक्ष्मी का आपके घर में और आपके अंतरात्मा में वास रहे। जी बिल्कुल पंडित जी, धनतेरस पर लोग घरों में तो साफ सफाई करते ही हैं और साथ ही साथ इन त्योहारों को मनाने के लिए खूब सजावट भी घर में की जाती है, लेकिन घरों के अलावा जो अपने कार्यस्थल होते हैं, जो दुकान होती है या जो व्यापारियों के ऑफिस होते हैं, उनमें किस तरीके से धनतेरस पर पूजा अर्चना करनी चाहिए कि उनके कार्य में धन प्राप्ति हो और सब कुछ शुभ रहे? धनतेरस वाले दिन अपने कार्य क्षेत्र, जो भी ऑफिस है, दुकान है, उसमें आप कुबेर यंत्र की और भगवान धन्वंतरी का जो यंत्र रहता है, चांदी के यंत्र अपने तिजोरी में, अपने मंदिर में स्थापित कीजिए। धनतेरस को शाम के समय 6 बजे से लेकर शाम को 8:19 का जो समय है भगवान धन्वंतरी का, और अपने कार्य क्षेत्र में कुबेर यंत्र, श्री यंत्र और धन्वंतरी का जो यंत्र रहता है उसकी पूजा अर्चना करने के लिए चंदन का जो तिलक है वह यंत्रों को लगाया जाता है। सफ़ेद रंग के जो पुष्प रहते हैं, गुलाब के जो पुष्प रहते हैं वो अर्पित किए जाते हैं। सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाया जाता है और उन्हें लाल रंग का कपड़ा या सफ़ेद रंग के कपड़े के ऊपर उनको स्थापित किया जाता है। और वहाँ लक्ष्मी का जो मंत्र रहता है, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कमले कमलाय नमः, इस मंत्र का अगर एक माला जाप की जाए तो निश्चित रूप से आपकी पूजा पाठ संपन्न माने जाते हैं और धन्वंतरी भगवान का पूर्ण आशीर्वाद आपके कारोबार के ऊपर बना रहता है। चलिए बिल्कुल पंडित जी, तो धनतेरस का पर्व सभी का बहुत शुभमय बीते और सब कुछ बहुत अच्छे से सभी लोगों का ये पर्व दिवाली सबके घरों में खुशहाली लेकर आए, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पुनः माँ लक्ष्मी का संपूर्ण आशीर्वाद बना रहे, धनतेरस का पावन पर्व आपके लिए बहुत मंगल कामने, अपार धन शक्ति की वर्षा लेके आए, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा। और उम्मीद करते हैं दर्शकों, धनतेरस के महत्व को आप बखूबी समझ गए होंगे हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसी के साथ खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।